हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीला और आप देख रहे हैं नेचर विद नीला हिंदी। फ्रेंड्स, आज मैं कोई नर्सरी विजिट का वीडियो आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी। ये है कलकत्ता के विधानसभा का एक फ्लावर शो, और इस शो में आज बहुत सारे जो वेजिटेबल्स है, फ्लावर है, फ्रूट्स है, सभी आप लोगों को दिखाई देगा। देखिए, यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी हो रहा है, जो फ्लावर शो है उसका ओपनिंग सेरेमनी है। ये बहुत जो गुणीजन है, बहुत ही फेमस जो लोग हैं, वो यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे ओपनिंग कर रहे हैं। उसके साथ साथ ही यहाँ पे फ्लावर और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का जो पौधा है, वो देखने में भी आप लोगों को आज बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए, आज पहले थोड़ा सा ये जो गार्डन है जिसको सजाया गया है, वो थोड़ा सा हम लोग घूम लेते हैं। उसके बाद ये जो तैयार किया हुआ है, जो प्लांट है, जो पौधा है, ये सभी जिन लोगों ने तैयार किया है, उन लोगों से भी थोड़ा थोड़ा बात कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, डालियाँ है, चंद्रमल्ली का भी है, गुलाब है, और वेजिटेबल्स जैसे कि आपका ब्रिंजल, चिलीज, टमाटर, सभी तरह के जो फ्रूट, फ्लावर एंड वेजिटेबल्स, सभी आप लोगों को आज दिखाई देगा। फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में जो वीडियो है, वो आप लोग हर वीक में थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये चार दिन जो है सुबह 8:30 बजे से वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। और ये जो कलकत्ता के जो विधानसभा के जो गार्डन है, यहाँ पे ये जो प्रदर्शनी है, ये बहुत ही एक फेमस जो अनुष्ठान है वो है, हर साल यहाँ पे होता है। और कोरोना की परिस्थिति के लिए सभी बहुत सचेतन और बहुत ही जो नियम कहते हैं, नियम अनुसार चल के ही ये सब अरेंज किया गया है। और देखिए, यहाँ पे जो फ्लावर है बहुत ही खूबसूरत है, ये चंद्रमल्ली का है, और पत्ता तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, इतना सारा चंद्रमल्ली का है। बहुत ही अच्छा, मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है और बहुत आनंद हो रहा है पास से ये सब देखने में। और आप लोगों के लिए मैं बताऊंगी, जो फ्रेंड्स दूर में रहते हैं, जो आ नहीं पाते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो है, क्योंकि आप लोग अगर घर बैठे ये सब का आनंद ले सकें, यही मेरा प्रयास है। और मैं ज़रूर कहूंगी, जो लोग कलकत्ता या उसके आसपास के शहरों में रहते हैं, वो आके यहाँ पे ये जो प्रदर्शनी है या जो शो है फ्लावर और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का, ये आप लोग देख सकते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ कि कोरोना का परिस्थिति फिर से यहाँ पे आ चुका है, इसलिए सभी आप लोग मास्क पहन के, सैनिटाइज़र यूज़ करके फिर यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग आए हैं आज, सभी अपने अपने तरफ से मास्क और सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, एवं जो भी कोरोना का विधि है, सब नियम पालन करके ही ये अनुष्ठान कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, चंद्रमल्लिका का कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। हम लोग जो लोग प्लांट को इतना पसंद करते हैं, इतना हम लोग इसको प्यार करते हैं, हम लोगों के टेरेस गार्डन में लगाते हैं, मैं भी इतना नर्सरी विजिट करती हूँ, तो यहाँ पे आने में मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है। बहुत सालों बाद मैं आज ऐसा एक जो प्रदर्शनी है इसमें आई हूँ, क्योंकि बीच में 2-3 साल कोरोना की परिस्थिति के लिए सभी तरह का जो ये शो और जो प्रदर्शनी था, वो अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा था, इसलिए। डालिया का साइज बहुत अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, और यहाँ पे ऐसे भी जो लोग हैं, गुणी लोग हैं, जिन्होंने डालिया में शंकरायन करके उसको नई तरह से तैयार किया है, उसका साइज बड़ा करने के लिए बहुत रिसर्च किया है, ये जो लोग हैं ये भी आज यहाँ पे आए हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उन लोगों से भी थोड़ा थोड़ा बात कर लूँ, और कैसे ये लोग ऐसा करते हैं, कैसा लगता है इन लोगों को, वो भी आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताऊंगी।
यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो चंद्रमल्लिका और डालिया है, बहुत सारा प्लांट है, ये सभी सेकंड प्राइज, फर्स्ट प्राइज, ये सब फ्लावर को मिला है। और कलर देखिए इनका बहुत ही खूबसूरत है, पास से तो इतना खूबसूरत है, मुझे तो लगता है कि मैं थोड़ा सा इसको हाथ से अगर छूँगी तो उसको महसूस कर सकूँगी कि कितना सॉफ्ट और कितना खूबसूरत है ये। और देखिए यहाँ पे बहुत सारा जो फ्लावर है, ये सभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हुआ है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो भी यहाँ पे प्लांट आया है, बंशाई हो, फ्रूट्स हो, फ्लावर हो, जो भी है, सभी कोई प्लांट फर्स्ट, सेकंड या थर्ड हुआ है, लेकिन ओवरऑल सभी को अगर मिला के आप लोग देखेंगे तो ये जो विधानसभा का जो गार्डन है, ये नया लुक पाया है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये जो शहर है, ये बहुत ही गुणी एक लोग हैं, इनका नाम है सनातन कुमार पाल, और इनके ही गुण के कारण ये जो डालिया आप लोग देख रहे हैं, ये जो फ्लावर देख रहे हैं, कलर कॉम्बिनेशन और साइज सभी इनका रिसर्च किया हुआ है। बहुत सारा यहाँ पे शो पे जो फ्लावर है, इनका जो कारीगरी है, तैयार करने का जो गुण है, सभी ये शहर इन्होंने ही बनाया है। इसीलिए इनको मैंने थोड़ा सा पूछा है कि इनको कैसा लगता है और क्या है, तो इन्होंने कहा है कि आप सभी जाने, आप सभी पहचाने कि फ्लावर कितना अच्छा, कितना खूबसूरत होता है। संकरण के माध्यम से नया जो सिस्टम है, नया जो पद्धति है, टेक्निक से ये सब कर रहा है, और सैर कर रहा है, कह रहा है कि आने वाले जो दिन है उसमें भी बहुत सारा जो फ्लावर है वो भी आएगा, बहुत खूबसूरत और भी होगा। और सभी के लिए ये बात वो कहना चाहते हैं कि आप लोग सभी प्लांट को पसंद करें, प्यार करें, लगाएं, उसको अच्छी तरह से उसको टेक केयर करें। ये और ये है कार्तिक मिश्रा सर, ये भी बहुत अच्छे लोग हैं और गुणीजन हैं, प्लांट को बहुत ही पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। ये जो शो ऑर्गेनाइज है, किया हुआ है, इसमें इनका भी एक बहुत ये एक बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है। और इन्होंने भी कहा है कि सभी प्लांट को पसंद करें, प्यार करें, लगाएं और टेक केयर करें। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये एक तरह का चंद्रमल्लिका है, देखिए फर्स्ट प्राइज इस फ्लावर के प्लांट को मिला है, और बहुत ही खूबसूरत है कलर कॉम्बिनेशन। चंद्रमल्लिका जो है, साइज उसका बहुत ही खूबसूरत और कलर भी इसका बहुत अच्छा है। और यहाँ पे बहुत सारा प्लांट ऐसा है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊंगी। ये जो देखिए चंद्रमल्लिका है, इसका साइज देखिए, बहुत ही खूबसूरत कलर और साइज बड़ा है। ये सब जो फ्लावर है, ये सभी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हुआ है। ये देखिए, ये सेकंड है और यहाँ पे भी है। यहाँ पे बहुत तरह के फ्लावर है, उसमें ज़्यादातर चंद्रमल्लिका और डालिया है, और वीडियो में आपने तो देखा ही है, जो सैर के साथ बात हुआ अभी अभी, उन्होंने भी बहुत सारा जो फ्लावर है चंद्रमल्लिका और डालिया का, वो शंकरायन करके एक से दूसरा बहुत खूबसूरत करके ये बनाया गया है। और इस जो फ्लावर शो है, स्पेशली यहाँ पे चंद्रमल्लिका डालिया की ऊपर ही है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा रोज़ और विंटर का जो सीजन फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो भी है, आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ पे भी देखिए, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है। ये सभी चंद्रमल्लिका और डालिया का वैरायटी है, और यहाँ पे देखिए छोटा जो पम्पम वैरायटी है वो भी है, और यहाँ पे वेजिटेबल्स है। फ्रेंड्स चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आज आए हैं। अच्छा, अपना नाम टैग तो बोलूँ। बड़ी साधन कुंडू
আপনারা কি এখানে প্রত্যেক বছর আসেন? না, দাদা এসেছেন কয়েক বছর। আচ্ছা, আমি এই প্রথম এসেছি। গাছপালা ভালোবাসেন? গাছপালা ভালোবাসি, ভালোবাসি আমরা করিও। ये जो दो जन आए हैं, दो फ्रेंड्स यहाँ पे आए हैं, ये लोग बहुत ही गुणी लोग हैं और ये प्लांट को बहुत पसंद करते हैं। ये सभी जो ये लोग जो बिष्णुपुर में रहते हैं, बांकुड़ा में एक फ्लावर शो होता है, वो भी होगा इस साल जनवरी में होगा। 9 जनवरी से वो चालू होगा। वहाँ पे ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं और फ्लावर प्लांट्स को बहुत ही ये लोग प्यार करते हैं, इसलिए यहाँ पे आए हैं। और इन लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने पे, क्योंकि बहुत सारा जो फ्लावर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है वो देख रहे हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि इनसे ये लोग इंस्पिरेशन लेते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है ये सब से, क्योंकि प्लांट्स को जो प्यार करेगा, जिसको ये अच्छा लगता है, उन लोगों के लिए ये जो शो है, इस तरह का जो शो है, ये बहुत ही अच्छा है, इसलिए ये दादा लोग कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, वेजिटेबल्स जो है, ब्रिंजल है, देखिए बहुत ही खूबसूरत है, छोटे से एक पॉट में लगाया गया है और एक प्लांट में बहुत बड़ा बड़ा साइज का ब्रिंजल यहाँ पे हुआ है। ये देखिए वाइट कलर का लॉन्ग ब्रिंजल है और उसके पास ही देखिए यहाँ पे ब्रोकली है, टमाटर है, बहुत सारा जो वेजिटेबल्स है यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे देखिए, ये तो फर्स्ट प्राइज इसको मिला है, ये प्लांट को बहुत बड़ा बड़ा साइज का ब्रिंजल इसमें हुआ है। और ये है लॉन्ग जो पर्पल कलर का होता है, ये भी बहुत अच्छा है। और एक प्लांट में कितना सारा ब्रिंजल हुआ है यहाँ पे भी देखिए। वेजिटेबल्स भी बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे हैं, देखिए यहाँ पे चिलीज है बहुत सारे, ये कल्याणी से आया है, कल्याणी पौरसभा के तरफ से इसको सजाया गया है, कंपटीशन में लाया गया है, देखिए बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत सारा प्लांट ऐसा है जो बहुत जगह से आया है, बहुत सारे नर्सरी से आया है, बहुत ऐसे गुणीजन हैं जिन्होंने खुद अपने हाथों से, अपने परिश्रम से इनको तैयार किया है। देखिए कितना सारा चिलीज इसमें हुआ है, छोटा छोटा पौधा और उसमें फ्रूट्स, देखिए इसको फर्स्ट प्राइज मिला है। और यहाँ पे भी देखिए बहुत सारा सब्जी है, सभी का नाम ने मैं नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि जो सब्जी है हिंदी में इसको बहुत सारा नाम है, मैं उतना तो नहीं जानती हूँ, आप लोग जानते ही है। यहाँ पे देखिए बीटल ग्राउट, बटल ग्राउट और जो बीन्स है, सभी तरह के कैबेज है, यहाँ पे भी ब्रिंजल है, लॉन्ग ब्रिंजल वाइट कलर का है, देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है पास से। मैं नहीं जानती हूँ आप लोगों को कैसा लग रहा है, लेकिन सामने से बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा लगा ये जो शो है इसको देखने में। और मैं कोशिश करूँगी कि कोरोना का परिस्थिति फिर से अगर नहीं बढ़ा तो मैं दूसरा, अगर कोई शो होगा इस तरह का, तो सभी आप लोगों के लिए मैं कवर करूंगी, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे भी देखिए ब्रिंजल हुआ है गोल गोल, बहुत ये सब खाने में बहुत अच्छा होता है ये जो ब्रिंजल है। और यहाँ पे देखिए बटल ग्राउट हुआ है, पास में भी ये सब्जी भी हुआ है, बहुत सारा यहाँ पे प्लांट हुआ है। यहाँ पे देखिए वेजिटेबल्स के साथ साथ फ्रूट्स का प्लांट भी आया है, जैसे कि आमड़ा है, स्टार फ्रूट है, और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है, दार्जिलिंग का जो छोटा ऑरेंज होता है वो है, और ये है बेर, जो बाऊ बेर होता है वो, ये स्टार फ्रूट है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सारा फ्रूट्स इसमें हुआ है। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर है, बहुत प्लांट इसमें हुआ है, फ्रूट्स हुआ है। ये एक मैंगो का प्लांट है, और यहाँ पे देखिए चीकू है, और पॉमीग्रेनेट है, पॉमीग्रेनेट बहुत खूबसूरत है, ये मौसम्बी है, देखिए इसको फर्स्ट प्राइज मिला है, बहुत ही बड़ा साइज का है इसलिए इसको फर्स्ट प्राइज मिला है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी स्टार फ्रूट है, और ये देखिए
ये दार्जिलिंग कमला है, बहुत खूबसूरत है। देखिए कितना सारा ऑरेंज इसमें हुआ है, देखिए ये देखिए। बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे ड्रैगन भी है, ड्रैगन एक हुआ भी है देखिए, क्योंकि अभी ड्रैगन का सीज़न नहीं है इसलिए एक ही ड्रैगन यहाँ पे हुआ है। अब चलिए थोड़ा सा रोज़ को देख लेते हैं, रोज़ भी बहुत खूबसूरत है। रोज़ का प्लांट देखेंगे तो आप लोगों को और भी बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बहुत सारा पौधा दूसरा तरीके का है, ये देखिए यहाँ पे है। और यहाँ से स्टार्ट होता है रोज़। रोज़ का बहुत सारा वैरायटी है, उसका नाम भी अलग अलग है। मैं उतना तो नाम आप लोगों को नहीं बता पाऊँगी, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए कलर क्या है, कितना सुंदर कलर कॉम्बिनेशन है और देखने में भी बहुत खूबसूरत है। सभी तरह के जो रोज़ का जो प्लांट है, 8 इंच, 10 इंच या 12 इंच का पॉट में लगाया गया है और बहुत ही खूबसूरत। देखिए फर्स्ट प्राइज़ मिला है ये रोज़ प्लांट को, बहुत इसमें फ्लावर है। और ये देखिए RS केजरीवाल, ये सभी तरह के जो प्लांट है इसको अलग तरीके से बनाया जाता है। देखिए कितना सारा इसमें बर्ड्स भी है, फ्लावर भी है, बहुत खूबसूरत है। ये देखिए वाइट कलर का है, वाइट थोड़ा सा पिंक और वाइट मिला के हैं। यहाँ पे भी देखिए बहुत सारा फ्लावर है। रोज़ का जो वैरायटी है वो बहुत सारा है और देखिए एक तरह पूरा ही रोज़ से भरा हुआ है और बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे सजाया गया है। एक तरफ रोज़ को कलर कॉम्बिनेशन करके सजाया गया है, दूसरी तरफ वेजिटेबल्स को रखा गया है और बॉन्साई भी इधर है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत ही पुराना बॉन्साई है और बहुत छोटा छोटा, देखने में बहुत खूबसूरत है वो भी है। इंडोर भी कुछ है और ऑर्किड्स भी कुछ है। सभी तरह के जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, सभी को मिला के बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे सजाया गया है। और यहाँ पे देखिए रोज़ के, यहाँ पे इतना सुंदर रोज़ है, उसमें फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं ये लोग। और ये जो अभी आप लोगों ने देखा, ये बहुत ही गुणी एक लोग हैं। इनका जो यहाँ पे शो पे जो सीजन फ्लावर्स है, ज़्यादातर ही इनका खुद का तैयार किया हुआ है। उनसे भी हम लोग बाद में बातें करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे एक रोज़ का वैरायटी है, वाइट में जो हल्का पिंक और वाइट मिला के होता है वो रोज़ को देखने में बहुत खूबसूरत होता है। और जो रेड रोज़ है वो तो ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे देखिए ये भी बहुत अच्छा एक कलर है। फ्रेंड्स अभी तो विंटर आया है इसलिए रोज़ का बहुत कलेक्शन आप लोगों को दिखाई देगा। बहुत तरह के नर्सरी है जहाँ पे सिर्फ रोज़ ही मिलता है। मैं कोशिश करूँगी कि इसके बाद आप लोगों को विंटर का जो रोज़ का वैरायटी है, कहाँ पे अच्छा मिलेगा, कहाँ पे सस्ता मिलेगा, ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और इससे पहले भी मैं एक वीडियो डाली हूँ शेखरपुर का, वहाँ पर रोज़ का वैरायटी बहुत सारा है, वो भी बहुत अच्छा है। और ये देखिए ये है विंटर का कलेक्शन, मैं अभी कह रहा था ये जो विंटर का पौधा तैयार किया हुआ है, ये जिन्होंने इसको तैयार किया है उनसे भी मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, आप लोगों को भी जानकारी होगा। लेकिन यहाँ पे सभी बंगाली में बात कर रहे हैं इसलिए मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा हिंदी में बता देती हूँ। ये है डॉक्टर तमल कुमार दास और सर बहुत ही अच्छे इंसान हैं और टीचर हैं। जो पौधा है उनको बहुत प्यार करते हैं पौधे को और उस पौधे के वो प्यार से ही बहुत सारा जो प्लांट है वो तैयार करते हैं।
स्कूल में रखते हैं और जब भी शो वगैरह होता है तभी वो उसको लेके यहाँ पे सजाते हैं। ये इनका शीत पड़ा मैंने पसंद करते हैं ये, और ये जो तैयार किया है इसमें ये कह रहे हैं कि इसको बहुत तरीके से तैयार किया जाता है, মানে গাছের চরিত্র অনুযায়ী কোনটা হবে সেই জন্য ছোট থেকে স্টেপ বাই স্টেপ তৈরি করি। আর মোটামুটি খাবার দাবার কি খাওয়ান একটু? প্রাথমিক অবস্থায় 15-15 বা সুফলা যেটা বলে, তারপর 20-20, আর গাছের ওষুধ দেওয়াটাও খুব জরুরি। আসলে মানুষ কিন্তু শুধু গাছ বসায় জল দেয় আর ফুল দেয় ভাবে গাছ বড় হয়ে যাবে, আসলে মানে আপনার यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बंसाई का बहुत सारा प्लांट है, इमली है, चाइना बॉट है, और भी बहुत सारा खूबसूरत बंसाई है। सभी तरह के जो प्लांट है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। कोरोना का परिस्थिति फिर से बढ़ रहा है, इसलिए सभी आप सावधानियां बरतें, सुस्त रहे, अच्छा रहे। मेरी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद। नमस्कार।